लेते हैं, बारिश आ गई तो क्या करोगे? वही तो बारिश आ गई अभी कैसा। और वहाँ पे तो एक्चुअली माहौल बना रहता है, कल शाम को जब मैं निकली थी ना तब भी ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है। हाँ छोटे स्कूटी में मेरे को कंटाला कर, क्योंकि मैं कभी काम पे बैठना है, सर दर्द ऑलरेडी हो रहा है, स्कूटी में चला के इतनी धूप में बारिश में छोड़। ऐसे जाएंगे, ऐसे बैठेंगे रिक्शा में, फिर उतरेंगे, फिर मेट्रो की टिकट लेंगे, फिर मेट्रो में बैठेंगे, फिर उतरेंगे, फिर रिक्शा लेंगे, फिर रिक्शा में बैठेंगे, फिर पड़ जाएंगे हॉस्पिटल में बैठेंगे। कैसे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिंगाट फैमिली ब्लॉग्स पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, एकदम मस्त मस्त कमेंट्स करते हैं दोस्तों। यार सच में मतलब मेरे को था दर्द में, बहुत तकलीफ में थी कल और बहुत थकी हुई थी, लेकिन जो कमेंट्स सुबह सुबह देखे हैं ना मैंने, उससे मुझे और ज्यादा फील हो गया हाँ मैं बहुत थकी हुई थी। बट हाँ आप लोगों के कमेंट्स ने तो सारा मेरा दर्द जो है गायब कर दिया। तो नाश्ता करके हो गया दोस्तों, चाय भी पी लिया है, अभी जा रहे हैं मौसी को देखने। शाम को मेरी शिफ्ट है, मुझे काम पे लॉग इन करना है, तो जाके मौसी को देख के फटाफट आते हैं। और चलिए हमारे साथ हमारी आज एक नई जगह, कल की प्रिपरेशन भी करनी है मुझे। वैसे दोस्तों कल वाला व्लॉग मैंने देखा ही नहीं है यार, मैंने शोना इतना थक गई थी ना। शोना क्या हुआ पता है गाइस, 3 बजे इसका एडिट हुआ करके, और लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया ना, तो एक्सपोर्ट वीडियो एक्सपोर्ट करने में लगभग 1 घंटा लगता है, 1 से 1.25 घंटा। तो 2 घंटा एडिटिंग, 1.25 घंटा एक्सपोर्ट करने को, तो वो ना सो ही गई, 5 बजे एक्चुअली एक्सपोर्ट पे लगाया, 4:30 बजे एक्सपोर्ट पे लगाया, आधा घंटा हो गया, वो आधा भी नहीं हुआ था। तो मैंने शोना को बोला तुम सो जाओ, मैं अपलोड करके मैं सब करके कर दूंगा। तो शोना सो गई, उसके बाद मैंने 7:30 बजे सब टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन जो भी मतलब वीडियो का काम रहता है वो सब करके, और 8 बजे वीडियो लाइव किया। तो ना शोना ने देखा आज का वीडियो कल का, ना मैंने देखा, चलो इसने तो एडिट किया उसको पता होगा, मैंने तो शोना वाली स्टोरी देखी नहीं, अभी जाते जाते देखता हूँ। चलो दोस्तों निकलते हैं, मौसी अच्छी है वैसे अपडेट के हिसाब से, बट एक बार मिल के आना बनता है। हाँ। क्या वैसे हम लोग ऐसे अभी मेट्रो से ही जाएंगे ना? हाँ मेट्रो से ही जाते हैं, क्योंकि स्कूटी से ठीक है, बट मेरे को मन नहीं कर रहा, मेरा सर दुख रहा है ना, रेस्ट मिल जाएगा ऐसा आराम से। ओके माय डार्लिंग हस्बैंड, ओए डार्लिंग मियाओ, ओए माउडी, लोग कैसा स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी। मेरे को भी बहुत मजा आता है स्कूटी, लेकिन मेरे को सिर्फ जिस दिन घूमने जाना हो ना, या मेरी छुट्टी हो उस दिन, वर्किंग डे ना मेरे को ऐसा नहीं मन करता। वो ऑब्वियसली तुम्हारा काम भी वैसा है जान, और फिर 8-9 घंटा। हाँ तुम्हारी शिफ्ट अलग है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो सबकी लाइफ अलग होती है। चलो बॉटल डालो बैग में, कैश है तुम्हारे पास, निकाला था कल? हाँ निकाला था मैंने, लाओ मुझे दे दिया, खुद रख लो, डालो ना। नहीं वो तुम्हारे पास रखो, मेरा बॉटल मेरे पास है ही नहीं। अच्छा मैं देती हूँ तुमको पैसे, नहीं मत दो मुझे, अरे देती हूँ पैसे दे के क्या करूँगी, अरे बॉटल इसमें डालो, पोछो तो ऐसे हीला कर दूं, वो देखो उस टॉवल से पोछो, नो कॉमन सेंस एट ऑल। अरे यार मैं पोछ के ही डालती हूँ जान, ऐसे मत करो, पोछो मेरे टॉवल से। गड़ 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 गड़, हम लोग कंफ्यूज है दोस्तों कि मेट्रो से जाएं या डायरेक्ट रिक्शा कर लें। एक्चुअली क्या लेस 4:15 हो गए ना, डायरेक्ट रिक्शा करेंगे तो 4:30 तक पहुंच जाएंगे, चलो डायरेक्ट रिक्शा ही करते हैं। आप बताओगे तब तक हम जाके आपके वीडियो एडिट भी कर लेंगे। कौन सा है दोस्तों, पहुंच गए हम यहाँ पे गोरेगांव स्टेशन हॉस्पिटल के पास, मासी के लिए एप्पल्स ले रहे हैं। एप्पल रहेगा मैं अच्छा रहता ना, एप्पल तो हाँ। कोई भी किसी बीमारी में भी खा सकता है, तो वही बेटर है ना लेने। देखो दोस्तों एप्पल ले लिया है, खुद खाने के लिए लेने बोलो कभी नहीं लेगा, पता है जबकि ये चीज़ कितनी हेल्दी है, हेल्दी है इसलिए तो लेके जा रहा हूं। तुम्हारा सीन ही चला गया दोस्त, बंद है? नहीं नहीं मेडिकल हॉस्पिटल तो चालू हो गया ना। दोस्तों हम आ गए थे मौसी से मिलने के लिए, एंड आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मौसी को, साथ ही साथ आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि मौसी जल्दी ठीक हो जाए, तेरे लिए कमेंट्स आए थे कि तू जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मौसी अच्छी है, कल परसों शायद डिस्चार्ज हो जाएगा। और तुमको कैसा लगा मौसी से मिल के? हाँ शादी के बाद वो भी ऐसे जल्दी आया, अच्छा हो गया ना जो भी था, ठीक हो गया वो, अच्छा। हाँ बैठ के हम लोग मस्त यहाँ पे ना गप्पे मार रहे हैं, कब से इतनी सारी बातें कर ली है ना कि क्या ही करें। तो ट्रेन से निकलेंगे ना सर, ट्रेन या मेट्रो देखते हैं।
थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं स्टेशन का थोड़ा नज़ारा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोग ना गोरेगांव आए हैं, तो थोड़ा स्टेशन पे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं फिर वहीं से फिर ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे वापस। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो मौसी से बात करते करते मौसी का जो डॉगी है हैरी, उसके बारे में इतना सुन लिया है, अब मम्मू शायद कभी भी डॉग ला सकता है। कभी भी ले लूंगा भाई भाई अपना म्याओ है थोड़ा डरता है, नहीं तो मैं तो ले लो यार। मेरे को तो डॉग वैसे भी मतलब मेरे को ऐसा कोई चाहिए यार जिसको मैं एकदम कुछ 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 कर सकूँ। चलो दोस्तों हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्या करेंगे जान, अभी टाइम नहीं है ना अपने पास, थोड़ा जाए स्टेशन की तरफ या निकल जाए। टाइम नहीं है मेरा, काम है, 6 बज रहा है, 1 घंटे में पहुँचना भी है, फ्रेश भी होना है। मैं तो उल्टा ये सोच रहा मेट्रो से चले या रिक्शे से, क्योंकि फटाफट पहुँचना भी है ना। चलो देखते पहले कुछ ये करते क्या खाएंगे, कुछ खाते हैं और फिर निकलते। चलो दोस्तों देखते रहो जैसे जो होता है। मौसी ठीक है, अच्छा लगा मिलके, बहुत मज़ा आ गया, थोड़ा टाइम निकल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अच्छा काम किया है, इट इज़ वेरी गुड। मौसी ऐसी है ना, मतलब मिलते ही ना इतना अच्छा स्माइल देती है ना, देते कि एकदम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इंसान को बात करने के लिए और उनके साथ में बैठ के आराम से गप्पे लड़ाने के लिए। चलो देखते हैं हम कुछ खाएंगे यहाँ पे एंड फिर आप लोगों को दिखाते क्या खाएंगे वैसे हम यहाँ पे, देखते हैं। यार कितने टाइम के बाद गोरेगांव स्टेशन और ये सब गलियाँ देखा, ये तो कितना बड़ा हो गया बाबू, स्पेशियस हो गया ना। यहाँ वालों में ऐसा गली गली से चल के जाते थे, गोरेगांव बस डेपो के बाजू से जो पीछे से रास्ता था ना गाइस वहाँ, और अभी देखो कितना स्पेशियस हो गया यार। यही नाइस फिश मार्केट था, वहाँ से मैं म्याओं के लिए सुपकट लेके जाती थी, ऑफिस से यहाँ पे उतर के सुपकट लेके भाजी लेके ऐसे मैं घर पे जाती थी। लेकिन अभी 8-9 साल हो गया उसने सुपकट नहीं खाया, स्टार्टिंग में बहुत खाया उसने, अभी तो वो कैट फूड ही खाता है। स्टार्टिंग में इन लोग कैट फूड नहीं देते थे उसको, सुपकट देते थे और क्या अंडा राइस ऐसा सब ना। चलो सोच रहे हैं यहाँ गोरेगांव में आए तो कुछ खाते हैं और फिर रिक्शा पकड़ के निकलते हैं। रिजर्वेशन के लिए अरे अपने को इसको भी बुला लेना चाहिए था, निखिल को भी कुछ खाना वाना रहेगा तो पूछ लो फोन करके। इसी से करोगे? हाँ इसी से कॉल करूँगी ना बेटा, इसी में तो नंबर है ना दोस्तों। मौसी के लड़के को मतलब देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ से टिकट कटवाते थे पहले गाँव जाने की, जब ऑनलाइन नहीं आता था नहीं करते थे तब, मतलब मैं खुद ये सारी चीज़ें देख रही हूँ ना, इसके लिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी भी बहुत लोग काउंटर से ही निकालते हैं ऑनलाइन, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ चलो मैं कॉल कर लेती हूँ आप लोगों को, मिलते हैं। गाइस निखिल ने तो आने से मना कर दिया, वो बोल रहे वो अभी दोपहर में आया खा पी के आया, हम लोग सोचे थे आएगा कुछ खा लेगा। कॉलेज की याद आ गई यार ये सब देख के, साई वेज वर्ल्ड एंड ऑल, तुमको आए कि नहीं? बहुत ज्यादा, यहीं से तो जाते थे इतने बार। ये हमारा एरिया था गाइस, हमारा एरिया था यार गोरेगांव, हम इधर ही खाते थे, इधर ही रहते थे, इधर ही घूमते थे, पूरा टाइम याद आ गया पुराना। चलो यहीं पे कुछ खाते हैं फिर। हाँ और समोसा खाओ 50 ना पार्सल। अम्मू वहाँ पे अपना फ्रैंकी ले रहे हैं और मैं यहाँ पे अपना समोसा पाऊँ। फाइनली मेरा समोसा मिल गया यार इतने देर बाद। क्या है तुम्हारा, मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ यार टाइम मिल रहा है। कितना टाइम? फ्रैंकी बना रहे हैं। जलेबी खावा बन नहीं रही थी, कंसिस्टेंसी देखो उसकी कितनी है। तो वो रोज बनाते हैं, तुम रोज जलेबी थोड़ी बनाते हो, पहली बार बनाया। हाँ वही तो गाइस, अपना खाना बनते हुए देखना अलग ही बात है ना, बट अभी चेंज हो गया है वो। पहले अपन जब बचपन में आते थे मतलब स्कूल में, ऑब्वियसली 12-13 साल हो गए, 12-13 भी नहीं थे, 15-16 साल हो गए, काम करके 12 साल हो गए। अभी तो मैं भूल गया कि क्या कहाँ से मिलता है, मैं पूछ रहा था, एकदम अलग ही लग रहा था। चेंज हो गया है सब, अच्छा लगा यार आके। पिंकी स्टोर अभी भी है वहाँ पे। हाँ वहाँ से मैं वो लेती थी जान, चिप्स सत्कार भी अभी भी है। हाँ बस सत्कार तो रहेगा, बट ये पापा वाला होटल बंद हो गया, होटल सदानंद पापा का फेवरेट था। देखो मन कर रहा है खाने का, जैम रोल, उधर पे डोनट है देख क्रीम वाला, और देख सो यम्मी, नो यम्मी, जाओ लेके आओ ना 40 का है। कितने का था तुम्हारा फ्रैंकी? कितने का? 85 रुपीज़। हाँ कसम 35, वही मैं बोल रही, तुम 85 रुपीज़ क्या बोल भाई रे, मत बोल। दोस्तों मेरा समोसा पाव सबसे सस्ता है, कितने का था? 15 रुपये। चलो ऑटो पूछो। बचपन की याद आ गई, साई वेज वर्ल्ड सीरियसली यार
ये बस स्टॉप घंटों घंटों वेट करके मैंने बस पकड़े है दोस्तों यहाँ से। पर यार अभी मीना रोड रह के बिना वहाँ भी अच्छा लगता है, मीना रोड बेस्ट है। देखो लाइफ में ना चेंजेस होते रहती है, इंसान आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वही लाइफ देख के हम चेरिश कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं, लेकिन वापस वही पुरानी लाइफ चाहिए ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए भाई। ये रहा मेरा समोसा पाव। मैंने समोसा पाव इसलिए लिया है क्योंकि काफी टाइम मैंने यहाँ से समोसा पाव खाया है, तो मेमोरीज के लिए। और ये मेरा फ्रेंड है, नो मेमोरीज। पानी भरना चाहिए था हॉस्पिटल से, पानी नहीं भरा दीदी ने। गाड़ देगी दोस्तों। अभी एक समोसा पाव खाने के लिए 10 मिनट तो इसको सिर्फ बाल बांधने को क्या रिक्शे में, बैड आइडिया। मतलब मज़ा आया, टाइम नहीं बचा ना दोस्तों इसमें रिक्शा पकड़ लिया, बट खड़े होकर खाने का सुकून से खाने का मज़ा अलग लगता है। रिक्शे में ऐसे ऐसे खा रहे थे। कल वैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, आपको कल के वीडियो में मिलेगा, उसकी तैयारी भी करनी है अभी तक। ये इस बार हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए गाइस क्योंकि जो हिल स्टेशन हम जा रहे हैं ना, इस बार पॉइंट्स वॉइंट्स घूमना विमना कम होएगा, सिर्फ रिसॉर्ट जो अपन जा रहे हैं वहाँ एंजॉय करेंगे अगर हो सका तो। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हिल स्टेशन में नहीं, बट लेट्स सी दोस्त। और आप चाहते थे दोस्तों हम वहाँ जाए? हाँ आप चाहते थे हम वहाँ जाए तो वहीं जा रहे हैं। कमेंट्स में बताओ, जो चाहता था उसने कमेंट करना छोड़ दिया है दोस्तों। देखता हो तो जाने दो, कोई बात नहीं। मैं ऊपर हूँ, नीचे चाबी फेंक रही हूँ क्योंकि अम्मू को कुछ चीज़ें लेनी और मैं ऊपर आ चुकी हूँ, वो उसको ऊपर नहीं आना है। फेंक रही हो? मिली क्या? कल के लिए कुछ उसको चीज़ें लेके आनी है तो इसके लिए गया है। और मैं आ चुकी हूँ दोस्तों घर पे। देखो अम्मू को ऊपर आके लेना नहीं था चाबी गाड़ी की, तो ऐसे फेंकना पड़ा, हालत हो गई। और बेटे क्या किया? मौसी तुझे पूछ रही थी कैसा है तू, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे एज यूजुअल हम बैठ चुके हैं जगह में। क्या हुआ यार? तुम शुगर छोड़ो यार, मेरे को कैसी चाय बना के दे रहे हो? जब से इसने शुगर छोड़ा है ना, वो पहले अपने लिए चाय बनाती है, उसमें से निकालते है खुद के लिए, फिर उसमें शक्कर मिलाती है। क्या मिला रही क्या नहीं मिला, एकदम भंगार चाय बन रही है। 3 दिन से इतनी अच्छी चाय बना दे रही, तुम्हारे हाथ की चाय पसंद थी। दोस्तों इसमें बता दिया आप लोगों को, मैंने शुगर छोड़ दी है। मैंने 12 तारीख को शुगर छोड़ी थी, 4-5 दिन हो चुके हैं दोस्तों। एकदम एक्टिव लग रही हूँ मैं, है ना, लग रही हूँ ना एकदम फुर्तीली हो गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं मिस कर रही हूँ शुगर वाली चाय को, बट मैं कर सकती हूँ अगर मैं ठान लूँ, मैं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ माओ, उदास क्यों है तू? क्या हुआ, नहीं जम रहा? देखो नहीं जम रहा है, नया पापा चाहिए इसके साथ, नहीं जम रहा देखो, बता खाली, नया पापा चाहिए? यस बोल दिया उसने, मेरे हाथ पे हाथ रखा है। क्या करे, कहाँ पे चेंज कर सकते है तुमको? नहीं नहीं तुमने जो बोला तो वो बोलो ना, हम रिटेक कर रहे हैं ना। बताओ तुमने क्या बोला था, चाय गर्म नहीं है वरना चाय फेंक देता। मैं भी वैसे वीडियोस बनाऊंगी दोस्तों, मेरे पति ने मेरे पे चाय फेंक के मेरे को फेंक देता, जला दिया। तो क्या बोलता है, क्या बनाना चाहिए खाना आज? खाना क्या बनाऊं? खाना आई वुड सजेस्ट बिरयानी बना लो, और अगर बिरयानी में ज्यादा मेहनत लग रही है तो एटलीस्ट चिकन फ्राइड राइस बना लो। ना तुम्हारी शक्ल बिरयानी जैसी है, ना मेरी शक्ल चिकन फ्राइड राइस जैसी है, दोनों ऑप्शन कैंसिल। टमाटर की चटनी खाते हो, चावल खाते हैं? जान जान आज मैं सोच रही हूँ कुछ अलग बनाती हूँ। क्या
बिरयानी की शक्ल नहीं है अपनी, बोला तो अभी थोड़ी देर पहले यार। बिरयानी खाना भी आने पड़ता है। अपनी शक्ल उसकी जैसी, इडली जैसी, ठीक है। तो इडली बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन सुन तो सही, क्या मेरे को तो चलेगा। हाँ, लेकिन रवे वाली इडली बनाऊंगी। okay. और सांबर जो मैं बनाती हूँ ना, वो वाला सांबर नहीं बनाऊंगी, कुछ अलग वाला बता। टमाटर जो है उसको उबाल लूंगी, मिर्ची जो है लाल मिर्च आती ना, कश्मीरी लाल मिर्च, उसको उबाल लूंगी। भोपला लाई हूँ, भोपला उबाल लूंगी, सबको उबाल लूंगी छिलके निकाल के, ठीक है। उसके बाद मैं पीस के और उसका सांभर बनाऊंगी, उसको तड़का लगा के। अच्छा लगा तुमको सुन के। ये पता कैसा वाला सांभर है जान, जो तुम साइकिल इडली लाते हो ना, या आंटी वगैरह का इडली लाते हो, देखो वो रेड कलर का सांभर तुम खाते हो, तुमने कभी देखा है? वो दाल का नहीं रहता है, वो इसका रहता है, टमाटर चलेगा ना तुमको? और चटनी जो अपनी पीनट वाली है वो बनाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, थोड़ा सा तुमको भी दिखा देती हूँ। और गाइस, और एक चीज बोलनी थी मुझे, क्रिमिनल जस्टिस जिसने भी नहीं देखा ना यार, देख लो। मैं ऐसा लग रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मैच देखने के लिए मैंने लिया था सब्सक्रिप्शन। मैंने तीनों सीजन देख लिए क्रिमिनल जस्टिस के। पहला सीजन सबसे बेस्ट है, सेकेंड सीजन इज ऑल्सो ऑसम, थर्ड भी अच्छा है। देखो यार, मैं तो बिंज वॉच किया, मैं लास्ट नाइट पूरा देख के ही सोया, सुबह 8:30 बज गए थे। मैं जब भी दोस्तों ये देखता है ना क्रिमिनल जस्टिस, तब मेरे को नींद आ जाती है, जबकि इसको भी पसंद आता है, जबकि मुझे बहुत अच्छा। जब भी मैं देखता हूँ उस दिन ये थकी हुई रहती है। हाँ। और मैं देखते ही उस दिन हो जाए जिस दिन मैं थकी हुई रहती, क्योंकि बातें नहीं करती गाइस मेरे से, जिस दिन ये बातें करती मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। जिसके पास ना अच्छा कार्टून हो वो कुछ और क्यों देखेगा। पता है, जब भी आप सोचते हो ना अच्छा खाना आप बना के अपने पति को खिलाओगे, तभी वो ऐसा कांड कर देता है कि आपका फिर मूड चेंज हो जाता है, प्लान चेंज हो जाता है। जब भी मैं सोचता हूँ वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी, वॉइस अच्छी आएगी, ये फैन के पीछे घड़ 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 दोस्तों भी क्या है यार, नॉर्मल जिंदगी है यार, समझो ना। हमेशा पंखा कैसे बंद करो यार, आप लोगों को अगर ना पंखा बंद करो, ये बंद करो, बंद करो, फिर कैमरा उठाओ ना, तो फिर वो वैसे हो जाता है कि आप फिर रियल नहीं रहते, फिर वो अलग ही, फिर एकदम तैयार होके आप बात करो वैसा लगता है। बट गाइस, अगर आप लोगों को लगता है ना कि ऑडियो का प्रॉब्लम है या वीडियो का कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट क्या करो। मेरे ख्याल से आईफोन बहुत अच्छा जॉब करता है, आईफोन में इतना खराब ऑडियो आते ही है, फैन हो तो भी मीठा ही लगता है। बट कभी भी कुछ भी वीडियो से प्रॉब्लम हो, बिंदास फीडबैक दो, सिखाऊंगा मैं सोना। ये पागल है, मैं तुमको क्या सिखाएगा? अरे हमारी चैनल है ना, कपल चैनल, में बॉस उस चैनल का, तुम एम्प्लॉई, तुम कोई बॉस बॉस नहीं है। सुनो दोस्तों, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को, कि अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम है ना, हम लोग वैसे भी अपना सॉफ्टवेयर खरीदने वाले हैं एडिटिंग वाला, उसमें मस्त डीनो इसको ऑप्शन रहेगा, वो मस्त लगा लगा के वीडियो बनाऊंगी, आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। फिर आप तो शेयर करोगे ना बाद में। और मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई। हाँ, तो मैं अभी कितना 8:30 बज रहे हैं, मैं अभी खाना बनाने नहीं जा रही हूँ। मैं एक राउंड पबजी का खेलूँगी, अभी थोड़े लोगों को मारूंगी, मज़ा आएगा, हरा हरा दिखूंगी, उसके बाद में मैं जाऊँगी बनाना, ठीक है। बहुत दिन हो गया नहीं खेली। खेल लो, सुबह सुबह अपने को निकलना भी है। सुबह सुबह हमको निकलना, तो यार अभी 8:30 हो रहे हैं जान, मेरे को हार्डली कितना टाइम जाएगा। रेस्ट चाहिए तो रेस्ट कर लो, पबजी वबजी खेल लो। रेस्ट वही होता है मेरा, पबजी तो मैं एक गेम खेलती हूँ। मतलब ऐसा करना है कि 3 बजे तक खत्म हो जाए, मेरा हो जाएगा सब, अपने को 4-5 बजे तक निकलना है। मैं 200 टाइम पास नहीं करती हूँ, मैं अपना काम, मेरा काम रहता ना, मैं काम बराबर काम करती हूँ। मैं ऐसे कुछ कर रहे थे ना तुम पीछे से, नहीं जा बेटर, क्योंकि मेरे ही हाथ में है काटना सब कुछ। दोस्तों मैं जस्ट कमेंट्स चेक कर रही थी रिप्लाई करने के लिए, देखो कितना प्यारा कमेंट आया यार जान, कितना प्यारा कमेंट आया यार। यार क्या मस्त कपल हो यार, कोई वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। आज फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा, बस एक के बाद एक वीडियो देखता ही रहा। सो स्वीट, थैंक यू सचिन, थैंक यू सो मच ऐसे कमेंट के लिए। वो भी बहुत कमेंट करती है यार। कौन? अपनी दमन वाली फ्रेंड, क्या नाम उसका? नयू। हाँ, नयू से तो अपन मिलेंगे जान, दमन जाएंगे तो, नायगांव जाएंगे तो आलिया से मिलेंगे, दमन जाएंगे तो नयू से मिलेंगे, और जो जहाँ जहाँ पे बता देना वहाँ वहाँ हम जाएंगे तो उनसे। एक दमन ब्लॉग में भी एक कमेंट आया, यू हैड नो आइडिया ऑफ दमन, हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट होटल, फोर्ट, टेम्पल, चर्च, फोर्ट, मेनी मोर।
भाई हम लोगों को क्या, हम टूरिस्ट गाइड नहीं थे, हम दमन गए थे, हम जो कर रहे थे हमने वो बताया है। सही बात है। और उसने वीडियो रॉन्ग देखा होगा, हमने exactly. सीरीज बनाई है दमन की अलग अलग दिन के, तो उसमें जरूर शेयर किया होगा डिटेल। थैंक यू यार, आप लोग अच्छे, मतलब कैसा होता है गाइस, समझ में आता है, मतलब कैसा है कि अच्छे लोग वीडियो को अच्छा लगे तब कमेंट करें ना, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कैसा बुरा लगा ना अगर कमेंट, बुरा वीडियो लगा, लोग बुरा कमेंट फटाक से करते हैं, बट वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लोग कोई नहीं लिखता, लाइक कोई नहीं करता, है ना। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सो मच सो मच दोस्तों, एकदम मूड बना देते हो आप। दोस्तों आपका हमारे किचन में स्वागत है। किचन बहुत मैस है, बिकॉज क्या करूं, अभी ये जो पड़ा है इसको भी क्लीन करना है। आज हम गए थे बाहर तो टाइम ही नहीं मिल पाया, तो अभी सब करूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैंने देखो यहाँ पे पीनट की चटनी बना दी है, इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताना, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने क्या क्या बताती हूँ, मैं ये जो रवा है ना मैंने 2 कप लिया है, उसमें मैंने 2 कप दही डाला है, थोड़ा पानी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो ये अपना बैटर रेडी हो गया है। सांभर का आइटम है अपना, तो सांभर के लिए मैंने टमाटर, पम्पकिन और मिर्ची ये उबाल लिया है। अब इसको मैं इसमें पीस लूँगी नमक डाल के। यही है और क्या है जिंदगी, ये करती हूँ, पीसती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मैंने बोला था मैं गेम खेलूँगी, मैं गेम नहीं खेली दोस्तों, आपके बहुत सारे कॉमेंट्स थे, उन कॉमेंट्स को मैंने रिप्लाई किया, वो भी टाइम नहीं मिला मुझे, चलो कोई नहीं। तो नमक और लहसुन मैंने ऐड कर लिया, अब इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे इडली का बैटर मैंने ये साशे में डाल दिया है, अंबर का मटेरियल भी पीस चुका है, अब बस इसको छोका मारना है। रखते हैं अब इसको 10-15 मिनट्स के लिए। दोस्तों सांबर में तड़का मारने के लिए मैंने तेल में राई और कड़ी पत्ता और सुहाना का ये सांबर मसाला ये डाल दिया। जब आपका राई तड़तड़ तड़तड़ करता है तब ये जो मसाला हमने पीसा था ये इसमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, थोड़ा पतला हो जाए। एंड यस, मैंने हींग भी डाला था थोड़ा। पानी तो एज यूजुअल हम लेडीज जैसे ऐड करती है, बचे हुए मसाले में ही थोड़ा पानी डाल दो एंड उसी को पानी बना के ऐड कर दो। दोस्तों इडली बन चुकी होगी, टाइम हो चुका है तो एक बार चेक कर लेते हैं। पता है फर्स्ट टाइम मैं रवा इडली बना रही हूँ। ओह माय गॉड, वाह वाह वाह, एकदम इडली जैसी इडली बन गई है। मतलब मुझे पता नहीं था मेजरमेंट मैं कैसे डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, बट वाओ यार। चलो इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, फिर बाकी का बैटर डाल देखो कितना परफेक्ट बनी है यार। रवा इडली फर्स्ट टाइम बनाया था। ये ठंडा हो जाता है, इडली निकाल देती हूँ उसमें से, बाकी जब तक इडली बन रही थी तब तक मैंने ये पूरा वॉश कर लिया अपना बर्तन, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं बैठूंगी डिनर करके एडिटिंग के लिए। कितना टाइम है और ब्रेक के लिए? कर्म अधिकारी शनिदेव। गुड, देखो। और यस, हमने सीख लिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बोला कि बाथरूम का दरवाजा बंद होना चाहिए तो हमने बंद ही रखा है। अब जब भी म्याओं को सूसू आएगी तो बताएगा, फिर ही खोलेंगे आप, या बाहर करना है तो करने दो, क्लीन कर दूंगी। बट आप लोग कुछ चीज सिखा रहे हो तो हम इग्नोर करें वो तो सही नहीं है ना, सीखना बनता है एक दूसरे से, तो इंसान सीखता है। सांबर सेम वैसा है, देखो बिना दाल वाला सेम है, खट्टी है ना गाइस, बहुत टेस्टी है। तुमने पहले इडली चटनी नहीं डाली? जन खट्टा है क्या ये? क्योंकि मैंने इडली नहीं डाला है, तो टमाटर का ही खटास है। अरे एक चीज इसको दे दो, टेस्टी बना देती है यार। थैंक यू। और मेरे जैसा टेस्ट वाला, जैसा मेरे को अच्छी। और सोना की ये जो व्हाइट चटनी है ना, ये मेरे को सबसे ज्यादा फेवरेट है, पता है सबसे ज्यादा फेवरेट है। तुम्हारे यहाँ हाथ की इडली खाने का सबसे मेन मन तो यही रहता है, मतलब रवा इडली पास है ना, अच्छा है। मैंने कैसे बनाया आप लोगों ने देखा तो प्लीज मुझे बताना, मैंने सही बनाया या कुछ और ऐड कर, नहीं चटनी नहीं बताया, वही तो मेन है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम इडली जब बनाऊंगी तब चटनी भी बता दूंगी। बनाना सीख गए ना, उसके साथ कोई भी इडली खा अच्छी लगती है। इतना टेस्टी इडली बनी थी कि पेट भर गया, ऐसा लग रहा है ज्यादा खा लिया है। और अभी हम जहाँ जाने वाले हैं कल घूमने को, जब सोएंगे नहीं, आज मेरा शिफ्ट खत्म होगा 3:30 बजे और हम 5-6 बजे तक निकल जाएंगे नहा धो के।
आह क्या नींद आ रही है यार, अभी काम करना है। मजा आ गया शोना, मजा आ गया मेरा बाबू, क्या खाना बनाता है रे तू, हाय हाय गुस्सा जाएंगे अंदर। उसको काम कर दिया, मेरे ब्रेक में 5 मिनट बाकी है, फिर मैं काम तक बैठूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ अपना लैपटॉप एडिट करने के लिए। बज रहे 12:30, डिनर हो चुका है हमारा मजेदार एकदम। बज रहे 12:30, डिनर हो चुका है हमारा। हाँ अब शोना करेगी एडिट और फिर सुबह निकलेंगे हम ट्रिप पे। हमारे सुबह सुबह निकलना है दोस्तों, सोने वाले नहीं है, सीधा निकलेंगे। जो बोला था आप लोगों को कोलैबोरेशन है, रिसॉर्ट जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, रिसॉर्ट पे जाके बैठेंगे, कहीं घूमेंगे, मजे करेंगे हम। मतलब वो ऐसी जगह पे है ना कि कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है, है ना, एकदम मस्त रहेगा। चलो दोस्तों आई होप वेदर अच्छा हो, मजा आएगा बहुत। बस बारिश हो और मस्त ठंडा ठंडा हो तो मजा आएगा। लेटर है कल के लिए, नींद नहीं रहेगी। चलो कोई नहीं, वहाँ जाके देखते हैं, देखो देखो कल क्या होता है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, लाइक प्लीज प्लीज प्लीज, और कमेंट तो कर ही देना जैसे आप लोग करते हो वैसे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।